Hey guys, myself Raz and you are watching Raz Life. Guys, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा, अल्ट्रा लीग आने वाला है, मतलब समझो आ ही गया यार। अब है ही कितना, कल ही तो है, कल से स्टार्ट हो जाएगा अल्ट्रा लीग गाइज। तो अल्ट्रा लीग में गाइज एक मेरा फेवरेट पोकेमोन है, और फेवरेट के साथ साथ ये पोकेमोन जो है आपको बहुत हेल्प करेगा बैटल्स में, पीवीपी के अगेंस्ट में बहुत मदद करेगा। और अल्ट्रा लीग में जब आप जीवीएल खेलेंगे तो वो बहुत मदद करने वाला है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। थंबनेल पे देख ही लिया होगा, टोजिकिस है, ठीक है। तो हम टोजिकिस के बारे में आज बात करते हैं गाइस। मैं उसके बारे में पूरे का पूरा बेस्ट मूव सेट, कौन सा पोकेमोन बेस्ट रहेगा उसके अगेंस्ट में, एंड ये भी बता दूंगा कि कौन से पोकेमोन के ऊपर वो सुपर इफेक्टिव है, कौन कौन से टाइप के। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गाइस टोजिकिस के बारे में। तो गाइस टोजिकिस एक फ्लाइंग एंड फेरी टाइप पोकेमोन है, एंड इसका जो क्विक मूव है चार्म है, ऑब्वियसली चार्म अटैक, एंड बेस्ट मूव सेट इसका गाइस बन जाता है एंशिएंट पावर एंड फ्लेम थ्रोअर। एंशिएंट पावर एंड फ्लेम थ्रोअर आप पुट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले, मेरे पे एक टोगेपी है जिसको मैं इवॉल्व करना चाह रहा था, क्योंकि मैं पहले इस टोजिकिस को ज़्यादा यूज़ करता था यूएल में, अल्ट्रा लीग में, लेकिन इसको मैंने एमएल पे लेके गया। एमएल में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ज़्यादातर पोकेमोन ट्रेनर जो हैं वो एक ना एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन ज़रूर पिक करते हैं। तो मैं बता दूं, ये जो टोजिकिस है वो ड्रैगन टाइप, डार्क टाइप, फ्लाइंग टाइप, बग टाइप, फायर, आइस, स्टील एंड ग्रास टाइप, समझ रहे हो, इन सभी पे सुपर इफेक्टिव है। ये बेस्ट है इनके अगेंस्ट में, फाइटिंग ड्रैगन, डार्क, फ्लाइंग, बर्ग, फायर, आइस, स्टील एंड ग्रास। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, बंदे इस बार टैलन फ्लेम को जरूर यूज़ करेंगे, यानी ट्रेनर्स जो है टैलन फ्लेम को एक्सेल में पावर अप करके जरूर यूज़ करेंगे। तो ये फायर टाइप के लिए भी आप ले सकते हैं, बहुत मदद करेगा ये। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ, मेरे पे ये एक टोगेपी है, एंड इसका जो आईवी है अच्छा है। मैं इसको ले जाऊँगा अल्ट्रा लीग पे, तो कुछ रेयर कैंडीज पे लगाना बनता है। ओके 125 लेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरे पे ये टोगेपी में है, टोजिटिक में नहीं है। तो सबसे पहले इसको इवॉल्व करता हूँ मैं टोगेटिक में, 25 कैंडी लेता है, सिंपल सी बात है, सभी को पता भी हो। एंड आप इसका सेकेंड टोजिकिस का सेकेंड अटैक जो है आप उसे भी अनलॉक कर सकते हैं, एंड वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग में। आप एंशिएंट पावर या फ्लेम थ्रोअर, आपके पास अगर इनफ कैंडी है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको ज़रूर अनलॉक कीजिए, इसके सेकेंड पावर को। तो अभी टोगे किसकी बारी। ओके तो यहाँ पे गाइस, चलो मैं तो वैसे सोचा नहीं था, लेकिन चलिए अभी देखते हैं क्या होता है। मैं बस अल्ट्रा लीग का वेट कर रहा था कि मैं पावर अप करूँगा। मैं वैसे सोच रहा था कि एक लकी टोजिटिक को मैं पावर अप करूँगा, उस लीग पे लेके जाऊँगा, बट क्या हुआ कि मेरे पे इनफ कैंडी नहीं थे, सॉरी यार मैंने ट्रेड बहुत किया था बट लकी मेरे से बन नहीं पाया तो छोड़ दिया। टाव 31 और लगेंगे इसको अप पे लेके जाने के लिए। वो जो मेरा टोजिकिस था वो 2500 फुल्ली था, ये यहाँ पे जाएगा 34 कैंडी लगेंगे इसके लिए, मुझे 32 और इसमें ऐड करने हैं। तो मैं देख रहा हूँ पूरा का पूरा रेयर कैंडीज पे यूज़ कर रहा हूँ, समझ जाओ कि ये कितना बेनिफिट करने वाला है। ऑब्वियसली बात है मैं इसको यूज़ करूँगा। ओह हो, थोड़ा सा दो कैंडी और, दो कैंडी और,
एक तो हो गया। अब इसको हम लेके जाएंगे अल्ट्रा लीग पे। अभी तो कोई बैटल कर नहीं पाएगा क्योंकि अभी मैं कोई बैटल शो नहीं कर सकता क्योंकि अभी अल्ट्रा लीग स्टार्ट नहीं हुआ है, कल ही स्टार्ट हुआ और मैं इसको ज़रूर लेके जाऊंगा बैटल में। तो अगर आप पे भी है टोजी टिक या टोगी पी या फिर टोजी किस, तो गाइज आप कर लीजिए इसको पावर अप एंड पहुंचा दीजिए इसके अपने मुकाम पे टोजी किस को यूएल के लिए। तो मुझे उम्मीद है गाइज कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं वैसे चार्म की जगह इंसेंट पावर चाहूँगा क्योंकि इंसेंट पावर ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट रहता है रॉक टाइप के अगेंस्ट में। देखिए रॉक टाइप, स्टील टाइप, इलेक्ट्रिक टाइप एंड आइस टाइप पोकेमोन के अगेंस्ट में ये खुद डाउन हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस पर फ्लेम थ्रोअर ज़रूर पुट करें। अगर आप फ्लेम थ्रोअर आता है तो बहुत अच्छा है, तो देखते हैं फ्लेम थ्रोअर पुट करते हैं। एंशिएंट पावर पे देखिए अटैक बूस्ट चांस डिफेंस बूस्ट चांस सारे मिल रहे हैं यार, बट नहीं मुझे फ्लेम थ्रोअर चाहिए। ओके फ्लेम थ्रोअर मिलने से क्या हो जाएगा गाइस कि ये स्टील टाइप पे, इलेक्ट्रिक टाइप पे एंड आइस टाइप इन तीनों के लिए ये थोड़ा सा बचाव कर जाएगा। तो फ्लेम थ्रोअर ओके है, अगर मेरे पे इनफ कैंडी होता तो, जो कि मेरे पे नहीं है रेयर कैंडी होता तो मैं इसका सेकेंड अटैक भी जरूर ओपन करता और उसमें मैं ले लेता इस पर रॉक टाइप लेता या फिर वही इंसेंट पावर। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड अगर आप टोजी की एक टोजी किस या टोगे टिक या फिर टोगे पी है तो मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ भाई मेरे पे भी, अब मैंने भी तैयार कर लिया है यूएल के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतने गाइस, मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय सी यू एंड कनेक्टिंग इज इम्पोर्टेंट तो लाइक कीजिए इसको। ओके गाइस बाय सी यू सून। Thank you.